रूपा जी, यूएस सोयाबीन की बात करें तो यूएस सोयाबीन देख रहे हैं कि लगातार तेजी की ही हो रहा है। दो हफ्ते पहले 1600 डॉलर के रेंज में कारोबार कर रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि 1767 डॉलर तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी लाल निशान पर है, लेकिन कल के कारोबारी सत्र में हमने इसको काफी अच्छी ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करते देखा था। 18 डॉलर पर बुशल के हिसाब से जो प्राइसेस थे सोयाबीन के देखने को मिले थे, जो कि 2012 के हाई के करीब है। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, विदेशों में जो सोयाबीन की जबरदस्त मांग बनी हुई है, जोरदार उछाल सोयाबीन में देखने को मिल रहा है, तो इसका सपोर्ट कहीं ना कहीं भारत में भी पड़ेगा, तो भारत में सोयाबीन की कीमतों पर कितना असर पड़ेगा और किसानों के लिए अभी क्या होल्ड करना सही रहेगा? देखिए, एडिबल ऑयल पैक के अंदर बहुत ज्यादा तो तेजी अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, विदेशी बाजार नो डाउट तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ बाजार थोड़ा सा सुस्ती के साथ है, बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, अभी काफी चीजों के प्राइजेस जो है वो एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं नो डाउट, लेकिन अभी यहाँ पर प्राइजेस जो है सस्टेन हो सकते हैं। मैंने पहले भी जैसे कि बताया था कि अगर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी तो यहाँ से तेजी के भी आसार काफी कम नजर आ रहे हैं, तो बाजार जो है इन्हीं रेंज में सस्टेन हो सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर तेजी बनती है तो किसानों को वहां पर एग्जिट लेना चाहिए। मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल पैक आगे चलकर लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी,